आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला संभल के ब्लॉक संभल के गांव पीपली रहमापुर पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 32 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से 10 किलोमीटर दूर है। 2100 वोट और 7000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान श्रीमती जायदा ने अपने हाथों में संभाल रखी है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर विकास की जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर पर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। ये गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। लॉकडाउन के चलते भी ग्राम प्रधान द्वारा ग्रामवासियों की काफी मदद की गई है। वहीं प्रधान पुत्र मोहम्मद उमर का कहना है कि यदि हम गांव में दूसरी बार प्रधान बनते हैं तो गांव को स्मार्ट गांव बनाने का कार्य करेंगे। ग्राम प्रधान श्रीमती जायदा और सचिव अजय कुमार के द्वारा स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। 4 वर्षों में इन्होंने किस तरह से गाँव को सजाया है और क्या समस्याएं भी बाकी है, आइए जानते हैं प्रधान पुत्र की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद है ब्लॉक संभल के पीपली रहमा ग्राम पंचायत में, यहाँ प्रधान द्वारा अब तक क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं, किस तरह से यहाँ लोगों की मदद की गई है और क्या क्या उनकी कोशिशें आगे के लिए जारी हैं, इस सब की जानकारी हम यहाँ प्रधान पुत्र से लेकर आपको बताएंगे। तो आइए बात करते हैं प्रधान पुत्र से। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि प्रधान जायदा बेगम आपकी माता जी हैं यहाँ पर, तो उनके कार्यकाल का लगभग समय पूरा होने को है, क्या क्या विकास कार्य आपके गाँव में अब तक हुए हैं? देखिएगा, हमने लगभग 110 सीसी टाइल्स सड़कें बनवाई, 4-5 खंजे लगवाए और 4-5 नाले बनवाए। उसके अलावा भी 400 कुछ शौचालय बनवाए। ग्राम पंचायत ओडीएफ हो गई, स्कूल की बाउंड्री कराई, स्कूल के शौचालय बनवाए, स्कूल में समर टेबल कराया, जो भी काम होना था स्कूल में वो कराया। मात्र सीसी टाइल्स बेचने के लिए रह गई है स्कूल में, क्योंकि उसका क्षेत्रफल जो है, जमीन जो है काफी है स्कूल में, इसीलिए उसमें पूरे में सीसी टाइल्स नहीं बेचवा सके। और गांव में हम जब प्रधान बने थे तो मात्र 10% ही सड़कें थी और गांव की स्थिति इतनी खराब थी या आदमी पैदल भी नहीं चल पाता था। और आज हमने 90% गांव को स्वच्छता की तरह भेज दिया है। और इसी ग्राम पंचायत में 2 गांव लगते हैं, पीपली और रहमापुर। रहमापुर गांव भी हमारा सफाई डेली भेज करते हैं सफाई कर्मचारी, कमलेश सफाई कर्मचारी है यहां पर, और किस तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। मतलब साफ सफाई का पूरा ध्यान दोनों ही ग्राम पंचायतों में रखा जाता है। जी। सरकार की जो योजनाएं जैसे चलती हैं उनका लाभ सभी लोगों को मिल पाता है दोनों ही ग्राम पंचायत में, जैसे उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन या जो किसानों को सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है, तो ये सभी लोगों को मिलता है दोनों ग्राम पंचायत में। सर, जो मात्र पात्र श्रेणी में आते हैं उन्हीं लोगों को हम लाभ दिलाते हैं, जो आपात्र श्रेणी में आते हैं उनको लाभ नहीं दिलाते हैं, जो वास्तव में इस लायक है। जैसे जिस तरह से लॉकडाउन चला, जो पात्र व्यक्ति था, गरीब था, सरकार से भी उन लोगों को सहायता मिली, यदि कोई उसमें भी वंचित रह गया तो उनको हमने अपने पास से पैसा दिया, और खाद्यान्न किसी को नहीं मिला तो अपने पास से ही देने का काम किया। राशन कार्ड नहीं है तो उनको आपने अपनी तरफ से उनकी मदद करने को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। हम लोगों ने उनको चीनी भी दी, तेल भी दिया, और इससे पूर्व में हम भी लोग राशन डीलर रह चुके हैं, हमने जनता की सेवा करी तभी हम इस जगह पर आने का हमने प्रयास किया। प्रधान ना रहते हुए भी आपने यहाँ जनता को अपनी सेवाएं पूरे निष्पक्ष रूप से दी हैं, ईमानदारी के साथ सेवा की है, इसी का रिजल्ट है कि आप यहाँ पर प्रधान चुने गए हैं। जी, हम तो पहले अभी जैसे सरकारी बिल्डिंग में आपकी ग्राम पंचायत में स्कूल के अलावा बारात घर, पंचायत घर ये बने हुए हैं? नहीं, तो हमारे यहाँ बारात घर है ना ही पंचायत घर है। आंगनवाड़ी केंद्र है, उसकी मरम्मत होगी, एस्टीमेट बनवा चुके हैं। शमशान घाट की बाउंड्री नहीं हुई है, कब्रिस्तान की बाउंड्री हो चुकी है। अस्पताल भी नहीं है। कितनी दूरी पर है यहाँ से? 10 किलोमीटर की दूरी पे है, मात्र संभल में ही अस्पताल है। 10 किलोमीटर से पहले यहाँ पर कोई भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है बना हुआ? जी नहीं। तो इसके लिए आपने कभी कोशिश नहीं की? नहीं, कोशिश की है, और अभी भी हमने पंचायत घर के लिए मांग की थी और प्रस्ताव भेजा लिख करके ग्राम पंचायत से, और टंकी के लिए मांग की है, ग्राम पंचायत से प्रस्ताव करा करके भेजा। जी। इसके अलावा हम यही सोच रहे हैं हमारा गांव पूरे तरीके से 100% गाँव में सीसी टाइल्स बिछ जाए, और ना ही तो इसमें किसी सांसद जी का काम हुआ है हमारे गाँव के अंदर, और ना ही कोई विधायक जी ने काम करा है। मतलब इन्हीं 4.5 सालों में काम किया गया, और
कुछ काम कराया है, लगभग 100 मीटर के आसपास खनन कराया है, तो प्रमुख साहब ने कराया है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभारी हैं, आभार व्यक्त जताते हैं उनका कि हमारे प्रमुख साहब ने इतना काम कराया तो सही, लेकिन जो हमारे क्षेत्रीय विधायक लोकप्रिय पिंकी यादव जी, उन्होंने तो पूरे ऐसे मान लीजिए पिछले भी 5 साल खर्च में कोई 1 रुपए का विकास नहीं कराया। अरे इन सभी जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं, इस गांव को किसी भी तरह का कोई सहयोग मदद उन लोगों से नहीं मिल पाई है अभी तक? नहीं मिली, जो भी मदद दी है प्रमुख साहब ने दी है जी हमारे गांव को। अब अपने गांव को सुंदर और ज्यादा विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग सरकार करना चाहिए? कम से कम हमारे गांव के लिए पैसा जो आए और अधिक से अधिक आए, और हम लोग जो ज्यादा से ज्यादा विकास कर सके। और हमने प्रमुख साहब से उस दिन यही मांग की थी, हमारा जो सहयोग करेंगे तो केवल मात्र प्रमुख साहब ही करेंगे, बाकी ना तो सांसद जी कर रहे हैं डॉक्टर भर सभी को नमन साहब, ना ही पिंकी यादव। जैसे कि आप एक युवा हैं यहाँ पर, हालांकि प्रधान आपकी माता जी है, लेकिन फिर भी गांव में सेवा आप अपनी पूरी योगदान उसमें दे रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आगे आने वाले समय में अगर फिर से जो है मौका मिला आपको, किस तरह की आपकी जो है योजना रहेगी, कितना विकास इस गांव को विकास की किस लेवल तक आप सोचते हैं कि ले जाया जाए? हम इंशाल्लाह यही चाहते हैं, अपने गांव को ऐसा गांव बनाना चाहता हूं ताकि जो करीब का गांव इतना सुंदर ना हो, इतना स्वच्छ ना हो, कोई भी गांव साफ सफाई रहे, पूरा गांव मेरा सीसी हो जाए, यही मेरे आगे के लिए सोच रहे चोर है। वास्तव में यही चाहूंगा मैं, अगली बार मैं प्रधान बना तो ऐसा कोई आसपास गांव नहीं होगा इतना विकास वाला, ताकि संभल ब्लॉक में मेरा गांव नंबर वन पर आएगा, इसकी गूंज होगी लखनऊ का, बोले गांव है, ग्राम पंचायत है तो पीपली रहमापुर है। और आज भी इस गांव के अंदर इतना विकास करा चुके हम लोग, ताकि किसी प्रधान ने आज तक कराए नहीं। तो अभी कितने परिवार यहाँ पर ऐसे होंगे जिन्हें आवास की जरूरत है? यहाँ लगभग ऐसे ही है परिवार जिन्हें आवास 50 से 55 लोग ऐसे हैं जो गरीब व्यक्ति हैं, जिन्हें जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास की जरूरत है, और हम उन लोगों के फार्म जो भरवा चुके हैं सूची भी द्वारा। एक आखिरी बात कि जो अब जैसे कि लॉकडाउन अभी जारी है लेकिन अनलॉक हो चुका है और कोरोना महामारी पैर पसार से चली जा रही है दिन ब दिन, तो इसको लेकर अपने ग्रामवासी से, एक युवा और एजुकेटेड भी आप हैं, तो इसको लेकर के अपने ग्रामवासी से क्या कहना चाहेंगे? हमने जैसे ही लॉकडाउन लगा था ये, उसी दिन ग्रामवासियों से कह दिया था लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, तो हमारे यहाँ 3 मस्जिद हैं, मात्र 5 लोगों ने ही वहाँ पर नमाज पढ़ी और लोग उनका हमने पूरे तरीके से इसका पालन किया, और आज भी हम लोग इसका पालन करते हैं, तो भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं होने देते हैं और न ही धर्म स्थल पर किसी को भी जाने देते हैं, जो मात्र जाने तो 4-5 लोग ही जाएंगे जी, माने पूरे नियमों का जी हम पालन करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ बातचीत की है, बीते 4-4.5 सालों में काफी विकास इनके द्वारा यहाँ करवाया गया है, लगभग 80% गांव के रास्ते यहाँ पर पक्के हो चुके हैं, इसके साथ ही आवास भी कुछ लोगों को मिले हैं, स्कूल में सौंदर्यकरण का काफी काम हुआ है, लोगों को यहाँ गरीब लोगों को लॉकडाउन के चलते प्रधान द्वारा आर्थिक मदद भी मिली है। इसके साथ ही अगर समस्याओं की तरफ नजर करें तो यहाँ कुछ समस्याएं भी बाकी हैं, जैसे बारात घर, पंचायत भवन जो अभी तक यहाँ पर निर्मित नहीं है, और सबसे बड़ी प्रमुख समस्या जो यहाँ सामने आई है वो एक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर के है, जो 10 किलोमीटर दूर से पहले कोई भी स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों को यदि छोटी मोटी बीमारी हो तो किस तरह की परेशानी से जूझना पड़ता होगा, और साथ में ओवरहेड टैंक के लिए भी यहाँ ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्ताव रखा जा चुका है। अच्छा पहले के साथ में आते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिराज जी। हरिराज कहाँ के निवासी हो? रहमापुर के निवासी हूँ। अच्छा, यहाँ 4.5 साल हो गए हैं ग्राम प्रधान जी कार्यकाल को जी, विकास को लेकर क्या कहना चाहोगे? ये सब विकास के लिए यहाँ पहले बहुत गाढ़ थी, यहाँ निकला भी नहीं जाता रहा, अब तो बहुत बढ़िया सड़क हो गई था। अच्छा अच्छा, बड़े रास्ते हो गए हैं। हाँ जी, बड़े रास्ते हो गए। आप इनके कार्य से खुश हो? हाँ जी, इनके कार्य से बहुत खुश हैं साहब। और कुछ कहना चाहोगे? मैंने और इनसे पहले प्रधान जी ने किसी ने ना सुनी, इन्होंने गिरवाई ये सड़क बढ़िया। क्या नाम है आपका? नजरीन। कहाँ की नहीं रहने वाली हो? अच्छा, यहाँ 4.5 साल हो गए इनके प्रधान बने हुए, इन्हें इन्होंने कितना विकास कराया होगा आपके लिए? और प्रधानों से ज़्यादा कराया। ज़्यादा कराया, मतलब क्या क्या विकास कराया? जैसे और प्रधानों से रास्ते भी, नालियाँ भी, और ये कॉलोनी वगैरह जो भी कुछ है सब प्रधानों से ज़्यादा कराया हमारे नगर में। आप इनके कार्यकाल से खुश हो, सहमत हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्लन है। कहाँ के रहने वाले हो? रहमापुर पिपली के। अच्छा, 4.5 साल हो गए इनके कार्यकाल को, विकास को लेकर क्या कहना चाहोगे? विकास बढ़िया कर रहे हैं। किस तरह से?
जो लोग कहता है उसी के कहना मान जाते हैं। मतलब जैसे 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 कहीं की सड़क न पड़ी हो उसे कहेंगे चार आदमी तो उसको डलवा देते हैं ये। मतलब बेहतर काम करा रहे हैं। बेहतर काम करा रहे हैं। हर प्रधान ने कराओ या बहनों ने कराओ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनीस। मोहम्मद अनीस कहाँ के निवासी हो? पीपली रहमापुर। अच्छा, 4.5 साल हो गए इनके विकास कार्यों को लेकर के, क्या करना चाहोगे? 4.5 साल में इन्होंने विकास सब प्रधानों से ज़्यादा किया है। आज तक भी कोई से प्रधान ने इतना विकास नहीं किया। अब से 15 साल में भी इतना विकास नहीं हुआ जितना विकास मोहम्मद उमर प्रधान के होते हुए हुआ। आप इनके कार्यकाल से सहमत हो? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया।